ओम गुरुवे नमः सभी को। ओम गुरुवे आज आज जो हम लाइव जा रहे हैं उसका एक बहुत स्पेशल रीज़न है। हमारे साथ है नेहा कुमारी जी, जिन्होंने 32 kgs वेट लॉस किया है। तो नेहा जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने 32 kgs वेट कम किया है, क्या ये करने में आपको कोई दिक्कत हुई? कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कोई दिक्कत भी नहीं परेशानी हुई। नहीं हुई? वेरी नाइस। चलिए, तो आप पहले सबसे पहले बताइए कि अंतस शुरू करने से पहले आपका वेट कितना था, आप कहाँ से हैं और आपकी लाइफ कैसी थी तब? मैं मध्य से एमपी से, अच्छा, और मेरा नाइन आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, रिपीट करेंगे। हाँ, मैं मध्य मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा 98 था। हाँ। अच्छा, और कोई तकलीफ तो नहीं होती थी घर में काम करने में या फिर एवरीडे लाइफ में? अच्छा, कोई किस्सा, कोई ऐसी कहानी जो आपको याद है जिसने आपको तंग किया हो या जिसने आपको मजबूर कर दिया हो कि यार अब वेट कम करना है? बहुत ऐसे मतलब मेरे यहाँ काम नहीं, मैड मैड काम काम बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं। और झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा कैसे कैसे कर करते सकती और काम और काम करती थी, करती थी, थकती 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 थी, थकती लगता था मतलब दिन भर दिन भर सुबह सुबह मतलब काम बहुत बहुत तकलीफ थी। अब तो आज कोई तो नहीं, कोई नहीं सकती। नहीं। नेहा जी, आप अपना लैपटॉप थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, टूट रही है बीच में। एक मिनट हाँ बिल्कुल, तो जैसे नेहा जी ने बताया कि उनका वेट 98 kgs था और दिन के काम करने में बहुत दिक्कत आती थी, है ना? आप कुछ बोलिए फिर आगे। आप अपनी सोशल लाइफ में जैसे किटी पार्टी पे जाना या दोस्तों से मिलना, उसमें कॉन्शियस होते थे? नहीं होते। मेरा ऐसा हो गया, फोटो नहीं लेती थी, आईने में देखती थी, दिखता था नेहा जी एक मिनट, आवाज डबल आ रहा है। नेहा जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हैं वो ना टूट टूट के आ रही हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, हमने फोन से ज्वाइन कर लो, फोन से किया है। फोन से ही किया है तो फोन को हाँ पास हाँ को रखो, पास पास में रखो। रखो, हाँ चलेगा? हाँ ठीक है। हाँ तो नेहा जी बता रही थी कि वो अपने आप अपनी फोटोग्राफ्स लेना बंद कर दिया, उन्होंने अपने आप को शीशे में देखना भी बंद कर दिया। हाँ हाँ, मेरे मेरे को को एकदम एकदम अच्छा अच्छा दिखता दिखता है। है, खड़ी खड़ी मेरे को शरीर शरीर अपना अपना देख के देख के कितना कितना हेल्दी हेल्दी है, है, मतलब मतलब अच्छा अच्छा लग लग रहा रहा है, है, कैसे कैसे कम कम होगा। होगा। हाँ मैं मतलब ढूंढ के कहीं नहीं कि मैं कैसे कम होगा, ओहो, वहां चीजें जाती थी, सारे सारे के घर में घूम के मेरा मेरा काम नहीं हो पाता। अच्छा, ये कौन से साल की बात है? ये ये मेरा मेरा मान मान के चलिए 2000, दो अभी तो पूरा हजार मेरा मतलब ज्यादा ज्यादा बीत गया, बीत पूरा गया, पूरा 2 साल दो में पूरा बेकार साल गया बेकार गया है। है। अच्छा, उसमें ट्वेंट हाँ, हाँ उसमें उसमें घर घर में में रह रह के के एक्सरसाइज एक्सरसाइज करती करती थी, थी, घर में ही टहल, लेकिन मेरे लेकिन को मेरे कुछ को कुछ मतलब समझ में नहीं थी, माइंड में फिर बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर लिया था आपने कि इतना ज्यादा बढ़ गया अब कम कैसे होगा, तो ऐसे थॉट्स में रहते थे आप। अच्छा, तो आपको अंतस योग के बारे में कौन से साल में पता चला? मेरे को मेरे पता को चला पता तो चला 2023 अच्छा पिछले साल की बात है। में। अच्छा, हाँ, फिर कैसे, यूट्यूब पे देखा आपने? नहीं, मैं तो सोचती मैं हूँ कि मैं तो तो शिवरात्रि व्रत, महाशिवरात्रि का, तो तो उसमें मैं उसमें मंदिर मैं दर्शन व्रत गई, गई मंदिर मंदिर दर्शन दर्शन भोलेनाथ भोलेनाथ का, का। तो हाँ वहां वहां मैं मतलब भोलेनाथ के भोलेनाथ नाम के से मांगी मांगी कुछ कुछ नहीं नहीं चाहिए 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 बस बस इतना इतना दे दीजिए दे दीजिए मैं वजन कम वजन हो कम जाए। हो जाए, महीना ऐसा महीना था। वाला खिलाफ अच्छा, मन्नत मांग ली ऐसा आपने। था। तो हाँ, उसके बाद उसके मैं बाद आई, मैं आई उसके बाद उसके से बाद यूट्यूब मैं यूट्यूब से से आया आया था, वजन 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 करने करने का का निर्धार 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 सोच रही थी कि रही थी मैंने कि मैंने मैम आया तो मैम का आया तो मैं छोड़ना नहीं है, नहीं सब है, सब सब छोड़ना छोड़ना छोड़ छोड़ना छोड़ेगी नहीं, चाय चाय छोड़ना छोड़ना नहीं, चाय एक छोड़ना नहीं। सेकंड, क्योंकि नेहा जी की आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि नेहा जी बहुत परेशान हो गई, तो लास्ट ईयर महाशिवरात्रि पे उन्होंने जाके सीधा शिव जी से मन्नत मांग ली कि कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरा वेट कम हो जाए और उसके बाद मैं हर महीने आपके पास आया करूंगी। और फिर उनको मिल गई इंदु मैम, और सबसे बेस्ट चीज, आज
हाँ आज ही व्रत शिवरात्रि, आज व्रत आज ही व्रत है आपको, और आज ही, वाह 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 क्या बात है, स्वयं शिव जी ने आपको अंतस योग से मिलवाया, क्या बात है। तो उसके बाद जब वो आई अंतस योग में, तो उनको पता चला कि यहाँ तो चाय भी नहीं छोड़नी, कुछ खाना भी नहीं छोड़ना है ना। तो आपको लगा चलो आधा वेट लॉस तो यहीं से मैनेज हो जाएगा। ठीक है। और बताओ, चलो फिर अंतस योग आपने यूट्यूब पे देखना शुरू किया पहले? हाँ, पूरा मैं वीडियो में पूरा रिसर्च पूरा देखी, उसके बाद मैं डाइट की कितना वेट कम हुआ आपका? 4 किलो। अच्छा, तो 98 से 94 अपने वीडियोस देख के, तो कोई ऐसी वीडियो थी या कोई ऐसी बात थी जो आपके मन में ऐसे घर कर गई कि अरे ये चीज तो बहुत सही है? अच्छा, तो फिर से नेहा जी कह रही हैं कि जब उन्हें पता चला अंतस योग के बारे में, तो उन्होंने सारी रिसर्च कर दी, सारी वीडियोस देख ली, सब कुछ देख लिया, और उनको सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मैम ने बोला वेट तो कम हो जाएगा और आपको कुछ छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, सब खाओ सब पियो। और जो एक हम वेट लॉस के लिए माइंड में ब्लॉक क्रिएट कर लेता है ना कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना खाना छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आई थिंक मैम का कॉन्फिडेंस कि वेट तो कम हो ही जाएगा, इन चीजों ने आपको मजबूर कर दिया कि आपने अंतस योगी ज्वाइन कर लिया। वेरी नाइस। और मैम का मतलब, एक सेकेंड, हाँ नेहा जी आपकी ऑडियो ना थोड़ी सी खराब आ रही है। खराब आ रही है। हाँ अच्छा, चलिए फिर आगे बताओ, फिर क्या हुआ? अंतस योग ज्वाइन किया आपने लास्ट ईयर, करीबन इसी टाइम पे ज्वाइन किया होगा, साल पहले? अच्छा, मार्च में ज्वाइन किया, ठीक है। फिर कैसे रही आपकी जर्नी? बहुत बहुत अच्छा। मैं एक साल हो गया, एक सेकेंड, इसको की ना वॉइस एको हो रही है। नेहा जी आपकी ऑडियो से ना लाइव में ज्यादा आवाज नहीं आ पा रही है, तो या तो आसपास इन्होंने डिवाइस ऑन कर रखा है, आपके आसपास कोई डिवाइस है, या फिर आप थोड़े बड़े रूम में बैठे हुए हो शायद। आप अपनी लोकेशन चेंज करोगे एक बारी? ठीक है, जब तक नेहा जी अपनी ऑडियो फिक्स कर रही है, तो इसी तरह से खाते पीते खिलाते हम लेकर आए हैं एक अंतस दिन, अंतस का नवरात्रि डाइट वर्कशॉप, जिसकी रजिस्ट्रेशन कल क्लोज हो जाएगी। परसों को वर्कशॉप है, उसमें हम बताएंगे कि कैसे खाना है, क्या खाना है, और कैसे मस्ती से नवरात्रि का ये फास्ट निकालना है। हाँ जी नेहा जी, कुछ बोलो। हाँ बेटर है, बेटर है। हाँ जी, आगे बताइए। फिर आपने पिछले एक साल में, आपने मार्च में ज्वाइन की, अच्छा, फिर अब तक एक महीने, एक साल से ऊपर हो चुका है, आपने एक भी क्लास मिस नहीं की है? अच्छा, उसमें भी मैंने ट्राई किया था, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है,
तो यहाँ से हमारी ये लर्निंग है सबसे पहले कि जो हम माइंड में ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं कि वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, वो एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं होता जितने हमारे माइंड में लगता है। और अंतस योग की खास बात ये है कि यहाँ पे वेट लॉस को इतना सीरियस ऐसे नहीं लिया जाता कि ओहो पता नहीं कितना भारी भरकम बोझ उठा रहे हैं हम, बल्कि मस्ती में खेलते हंसते खेलते वेट कम हो जाता है। नहीं, मैम के साथ क्लास क्लास लेने में तो लगता है कि कितनी बड़ी भाई है, अच्छा हंसाती भी है, डांटती भी है, प्यार भी करती है, तो ऐसा लगता है कि किट्टी पार्टी अटेंड करते करते वेट लॉस हो गया। अच्छा हाँ बिल्कुल, वैसे 1 घंटे का एक्सरसाइज ऐसे लगता है कि कैसे खत्म होगी, और अंतस्योग में ऐसे लगता है अरे खत्म भी हो गई क्लास। अच्छा बहुत सही। तो हमारी ऑडियंस के लिए जो दूसरी चीज नेहा जी ने बताई वो ये है कि उन्होंने पिछले 1 साल में सिर्फ 1 दिन क्लास मिस किया है। इसका मतलब कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है कि आप किसी चीज को ज्वाइन करो और एक डिसीजन लो कि वेट कम करना है, तो उसके बाद बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन से और कमिटमेंट से अपनी क्लासेस अटेंड करो, है ना। और आप मेडिटेशन सुनते हो, रोज रोज सुनते हो, दोनों मेडिटेशन सुनते हो, वेरी नाइस। तो कुछ और आपकी बॉडी में चेंजेस आए हो अंतस योग ज्वाइन करने के बाद, थोड़ा सा और चेंजिंग बताओ। तो बहुत बढ़िया मेरा मेरा तो मतलब बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे ये क्लियर मेरा 3 4 महीना क्लियर नहीं होती थी। अच्छा मैं डॉक्टर के पास जाती थी, दवा देती थी, क्लियर होती थी, दवा छोड़ी थी मेरे, वही 3 4 महीना अपने से ले ली। मतलब गड्ढे में भी तो थोड़ी अच्छा हो जाता था, एक फुट का था मसाला शरीर में, अच्छा गड्ढा रहता था, बहुत बहुत स्वेलिंग थी बेसिकली। तो आपके इरेगुलर पीरियड्स थे 3 3 4 4 मंथ्स के लिए, उसके बाद स्वेलिंग बहुत रहती थी बॉडी में, इचिंग भी बहुत रहती थी शायद आपकी बॉडी में। इचिंग तो अभी भी है लेकिन लेकिन कम है पहले से। कुछ चीजें धीरे धीरे जाती है। और और मेरे को तो किसी प्रॉब्लम क्यों पता क्यों आए हैं आप मोटापे के लिए थे, लेकिन बाकी चीजों में भी आपको राहत मिल गई। अच्छा मेरे को वाई 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 डिस्चार्ज हो गया था। अब एक समझ में कौन था, एक एक भी दवा नहीं मिली, एक भी कुछ नहीं। अच्छा और मेरा पीरियड भी एकदम टाइम से होते 2 दिन पहले आती। बहुत अच्छा। तो 1 साल में हंसते खेलते 32 kgs भी कम कर लिए। जब हमें इनका रिजल्ट मिला था 31 था, और अब जब से हम इंटरव्यू के लिए आए तो 32 kgs हो गया। तो 32 kgs वेट भी कम हो गया, पीरियड्स भी रेगुलर हो गए, मेडिसिन भी छूट गई, स्वेलिंग भी कम हो गई, इचिंग भी कम हो गई, मतलब कमाल हो गया। वेरी नाइस। तो दोनों योगा क्लासेस लगाने का और मेडिटेशन रेगुलरली सुनने का, दोनों का इम्पैक्ट रहा होगा आपकी जर्नी में, है ना। बिल्कुल। अच्छा 2 बारी सुनते हो। तो जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि मेडिटेशन सुनने का टाइम नहीं है, उनके लिए कितना परफेक्ट एग्जांपल है कि सबसे पहली बारी नेहा जी काम करते करते ही बैकग्राउंड में मेडिटेशन सुन लेती हैं, और उसके बाद जैसे उनको फ्री टाइम मिलता है तो वो सेकंड टाइम सुनती है। तो यहाँ से हमने ये चीज सीखी कि हम एक्सक्यूजेस तो देते रहते हैं कि अरे टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, पर जो सुनना चाहता है वो कभी भी कैसे भी सुन लेता है। वेरी नाइस। अभी अभी पिछले कली कली थी 12 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
फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि वॉइस ब्रेक कर रही है कि हाँ कि नेहा जी इतने क्यूरियस हैं कि अगर मैम ने रात को 12 बजे भी मेडिटेशन ऑडियो भेजी तो वो सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन सुनते हैं। अच्छा नेहा जी, आप कोई मैसेज देना चाहते हो उन क्लाइंट्स को या उन मतलब उन व्यूअर्स को जो वेट लॉस जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं, थोड़ा डरे हुए हैं? और थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा ताकि आवाज ना ब्रेक ना हो। धीरे एज इन स्लोली बोलना पर तेज। मतलब वजन कम करना आसान है, इसकी कोई मुश्किल नहीं है। अरे अरे अंदाज में से सारी सारी का क्यों छोड़ना नहीं है? चाय से लेके चावल से लेके पीसे से लेके सब दिया जाता है। और सबसे अच्छा तो है कि मैम अपने बच्चों के जैसे प्यार करती।
लगता है मैं तो अपनी बेटी को जैसे जाती हूँ वैसे जाती हूँ, प्यार भी करती है। बहुत अच्छा। मैं ना लॉगिन करती हूँ 5 मिनट पहले करती हूँ मैं डांस सीखने के लिए। मैं उठी नहीं क्योंकि मैम का डांस तो इतना इतना मुझे याद मैम या मेरे किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे को लगेगा वेरी नाइस। ठीक है, ऑडियो थोड़ी क्वालिटी इशू होने की वजह से हम सेशन ना यहीं क्लोज करेंगे, लेकिन मैं रिपीट करना चाहती हूँ जो नेहा जी ने कहा। उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले तो वो ये क्लास जो है 5 से 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेते हैं ताकि वो मैम की डांट खा सके, और यही डिफरेंस है अच्छे स्टूडेंट्स में और उन स्टूडेंट्स में जो अभी थोड़ी आनाकानी करते हैं, कि जो स्टूडेंट्स एक्चुअली इस क्लास से अंतस्यो के बैचेस से पूरा फायदा लेना चाहते हैं वो क्लास से 10-15 मिनट पहले ज्वाइन करते हैं, मेडिटेशन भी अटेंड करते हैं, मैम की डांट भी सुनते हैं। उसके अलावा अगर मैम की डांट ना पड़े या वो मैम से ना पिले तो उनको ऐसा लगता है अरे आज तो दिन ही पूरा नहीं हुआ, अरे आज तो मैम की डांट नहीं पड़ी, जैसे कुछ मिसिंग हो दिन में, है ना। उसके अलावा वो सारे बच्चे मेडिटेशन भी सुनते हैं और योगा क्लासेस मिस नहीं करते हैं, है ना। और वेट लॉस करना बहुत आसान है। बहुत सही। चलिए नेहा जी, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए और अपनी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। ओम गुरुवे नमः। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि परसों हमारी नवरात्रि की वर्कशॉप है, तो अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे नवरात्रि में सही खाना खा के आप अपने आप को समर रेडी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को रेडी कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। पर रजिस्ट्रेशन कल 12 बजे तक ही है। थैंक यू। थैंक यू।